नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहाँ पर रनवे पर एक विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक प्लेन में 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन मनीष शाक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था और इसे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने कुछ देर बाद ही सुबह करीब 11 बजे ये क्रैश हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यात्रियों को ले जा रहा विमान क्रैश हुआ है। शोर एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। PIA के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जा रहे विमान में विमान चालक दल सहित 19 लोग सवार थे, जो सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना स्थल से अब तक 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्लेन में कैप्टन MR शाक को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया है। मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शौर्य एयरलाइंस के विमान में आग लगने से दुखद घटना हुई है। हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके नतीजे में ये दुर्घटना हुई। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इसमें 19 लोग सवार थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि विमान में आग लग गई थी, जिसके बाद धुएं का भारी गुबार आसमान में छा गया। दुर्घटना के कारण विमान में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की एक टीम तैनात की गई है। दमकल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की एक टीम स्थिति पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। काठमांडू घाटी पुलिस कार्यालय के सीनियर पुलिस अधीक्षक दिनेश राज मैनाली ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के तुरंत बाद ही रेस्क्यू काम संभाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 11:40 में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि सौर एयरलाइंस के विमान में लगी आग पर काबू के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9NAME प्लेन सूर्य एयरलाइंस का था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में भीषण आग लग गई थी, इसे तुरंत बुझा दिया गया है। घटना स्थल के सामने से आई तस्वीरों में धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।